केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि कुछ राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव को सामने रखकर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट केरल, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु राज्य के चुनाव को सामने देखते हुए रखा गया है, ऐसा विचार सांसद बाड़ू धानोरकर ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से देश में हजारों रोजगार गए, रोजगार निर्मित के लिए इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं है। मध्यम वर्गों के लिए आयकर में छूट अपेक्षित थी, मगर वहाँ भी निराशा हाथ में लगी। वहीं एयर इंडिया LIC को बेचने का निर्णय मोदी सरकार ने किया है। इस बजट में किसान तथा खेती इस घटक को केंद्र साथ कहीं स्थान नहीं रखा गया है। महिला सबलीकरण की ओर दुर्लक्ष रखा गया है और इस बजट में सामान्य इंसान के साथ अन्याय किया गया है। इसके अलावा अनेक कारणों से ये जनता के हित में बजट नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया सांसद बाड़ू धानोरकर ने की है।